नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कनाडा के अंदर एक और खालिस्तानी लीडर मारा गया है, लेकिन इसको मारे जाने की जिम्मेवारी ली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। सो भाई लॉरेंस बिश्नोई किल्ड खालिस्तानी लीडर इन कनाडा, पहली बात। सेकंड, गुरपंतवंत सिंह पन्नू अगेन एक मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी है। उन्होंने भारतीयों से कहा है कि कनाडा छोड़ दीजिए एंड भारत चले जाइए। थ्रेटन किया है इंडियंस को कनाडा के अंदर। सो इसके लिए भारत सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, उसको भी हम देखेंगे। सो तीन चार न्यूज है, उनको साइमल्टेनियसली कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट सुखदूल सिंह किल्ड इन गैंग वार इन कनाडा। सो बेसिकली गैंग वार में ये मारा गया है। एंड NIA की जो 43 गैंगस्टर की लिस्ट है, उसमें 33 नंबर पे शुमार है ये व्यक्ति, और एंटी इंडियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, लेकिन अब ये मारा गया है। और इसकी जिम्मेवारी ली है लॉरेंस बिश्नोई ने। आप देख पाओगे, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर खालिस्तानी टेररिस्ट सुखदूल सिंह किलिंग। इन्होंने बेसिकली बताया ये है, इसके कुछ साथियों ने ये बताया है कि देखिए हमारे जो साथी थे, इट मीन्स बिश्नोई गैंग के साथी थे, यहाँ पे गुरलाल बरार एंड विकी मेडखेड़ा, इन दोनों की हत्या में शामिल था सुखदूल कनाडा में बैठे बैठे। सो इसीलिए अब इसको हमने मार दिया है। और ये एक ड्रग एडिक्टेड था, मोगा डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली बिलोंग करता है, और पंजाब से चला जाता है कनाडा में 2017 में, लेकिन अब ये मारा गया है। और बिश्नोई आपको पता है कि अहमदाबाद की जेल में है। सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी वो इसी गैंग के द्वारा की गई थी। लेकिन ये जो सुखू है, सुखदूल सिंह सुखू, सुखा जो भी इसका नाम बताया जाता है, ये बिलोंग करता था बंबिहा गैंग से। सो आपको पता, नॉर्थ इंडिया में मेनली पंजाब में कई सारे ऐसे गैंग एक्टिव हैं, बेसिकली हरियाणा में भी हैं, आपको पता है। तो ये गैंग जो कि गैंगस्टर करके अपने आप को बोलते हैं, लूट पाट करते हैं और किलिंग्स करते हैं, ठीक है, सुपारी वगैरह लेके, इस प्रकार से बोलते हैं कि सुपारी लेके किसी की किलिंग्स करना एंड इस तरीके के जो हीनियस क्राइम होते हैं उनमें ये इन्वॉल्व होते हैं। और ठीक है, तो इस तरीके से बंबिहा गैंग है, ये गैंग वो गैंग, कई सारी गैंग्स यहाँ पे एक्टिव हैं। लेकिन ये जो देवेंद्र बबीहा था, ये 2016 में एनकाउंटर में मारा गया था, और मोगा के पास इसका गांव है बबीहा, उसी के नाम पे इन्होंने अपनी गैंग का नाम रखा। और सुखा इसी गैंग का मेंबर था, जिसकी हत्या विनीपेग कनाडा में हो चुकी है। विनीपेग गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, आपको पता है, तो वहां पे इसकी हत्या हुई है। और ये व्यक्ति एंटी इंडियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था अकॉर्डिंग टू द इंडियन अथॉरिटीज, लेकिन अब ये मारा गया है। सो बबीहा गैंग कि न्यूज ये भी आई थी कि सिद्धू मूसेवाला का ये बदला लेगा। आपको पता, सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी उसमें बिश्नोई गैंग का हाथ था, और कहीं ना कहीं लिंक बताया जाता है बंबिहा गैंग के साथ में सिद्धू मूसेवाला का। तो ये इसको अपना बड़ा भाई वगैरह सब कुछ मानते हैं। लेकिन आज सुबह की ही न्यूज आप ये देख पाओगे, बिग क्रैक डाउन ऑन गैंगस्टर गोल्डी बराड। गोल्डी बराड कौन है? ये भी बिश्नोई गैंग का ही एक सदस्य है। आप कह सकते हो लॉरेंस बिश्नोई का सेकंड हैंड भी इसको आप कह सकते हो, जो कि कनाडा के अंदर है वर्तमान में। ये मैं आपको बता दूं, कनाडा के अंदर ही है। सो इसके जो साथी हैं भारत के अंदर, जो पंजाब में इसके जो एडीज हैं, उनके ऊपर ट्रैक डाउन करना स्टार्ट कर दिया पंजाब पुलिस ने। आज सुबह की न्यूज आप देख पाओगे, 21 सितंबर 2023, 12:48 की न्यूज है, ठीक है। तो इसको अब जितने भी ये गैंगस्टर हैं, इनको देखिए भारत में छोड़ा नहीं जाएगा। और जो भी खालिस्तानी जितने भी अलगाववादी आतंकवादी है, इनका जो कि मुंह तोड़ जवाब अब भारत के द्वारा दिया जाएगा। सो बेसिकली अब इनके ऊपर क्रैक डाउन करना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए, एक और जो पहले मारा गया था निजर, जिसके ऊपर ये पूरा बवाल हुआ है, बताया ये भी गया है कि ये भी गैंग राइवलरी में ही मारा गया है। ऐसा हो सकता है कि इंडियन एजेंट्स के ऊपर या फिर इंडियन सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर जो कनाडा के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, वे निरर्थक हैं, उनका कोई भी आधार नहीं है, और गैंग राइवलरी में ही ये भी व्यक्ति मारा गया हो सकता है। तो अभी इसकी जांच जो है कि चलनी चाहिए, और 10 लाख का इनामी था। तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, और उसमें देखिए मैंने बताया था कि USA, UK एंड ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा का समर्थन किया है। सो देखिए, कथित तौर पर मैंने ये बोला था, लेकिन किस आधार पे मैंने कहा था कि समर्थन किया है, वो ये था दोस्तों कि कुछ जो मीडिया हाउसेज हैं, मैंने रेफरेंस भी दिया था, उन्होंने लिखा कि सिख एक्टिविस्ट की हत्या हुई है, सिख लीडर की हत्या हुई है, सिखों के मसीहा की हत्या हुई है। तो इस तरीके की जो लैंग्वेज इनके द्वारा यूज की गई थी, मुझे कहीं ना कहीं ये गुस्सा था इनके ऊपर कि ये एक आतंकवादी है इंडिया के लिए। 2018 में हमने इसके नाम की जो लिस्ट है वो कैनेडियन गवर्नमेंट को दी थी कि एक आतंकवादी है, हमारी तरफ से हमने घोषित करके रखा है, और कनाडा में है, ये एंटी इंडियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और आप इसके ऊपर क्रैक डाउन कीजिए। लेकिन कोई भी कार्रवाई इसके ऊपर नहीं होती है, और ये कहते हैं कि ये हमारा लिए एक्टिविस्ट है, सिख एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, एंड USA, UK
एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब डीपली कंसर्न है इस विषय को लेके। ठीक है, ये न्यूज निकल के आई थी, हर चीज का मैंने रेफरेंस दे के ये बात बोली थी। यहाँ पे आप देख पाओगे व्हाइट हाउस के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक पर्सन है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट आई थी, वी आर डीपली कंसर्न अबाउट द एलिगेशन रेफरेंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, और हम लोग हमारे काउंटर पार्ट के साथ में खड़े हुए हैं, हम लोग देखेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे, जबकि पता है यूएसए को पता है, यूके को पता है, ऑस्ट्रेलिया को पता है कि खालिस्तानी कितना बड़ा आतंकवादी संगठन है और इंडिया को तोड़ने का ये काम करता है, और हम लोग बार बार इनको बता भी चुके हैं, लेकिन जब फिर भी ये लोग ऐसी तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, ऐसी तरीके की बातें बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर गुस्सा जो कि लाजमी है दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, लोगों ने बोला कि आप फ्रॉड न्यूज फैला रहे हो, झूठी झूठी न्यूज फैला रहे हो, कुछ मेरे साथी थे, मेरे प्रिय मित्र, तो उन्होंने कुछ अच्छी लैंग्वेज का यूज करके मुझे बात बोली, तो मैं सबसे पहले तो अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरा मकसद यही था, मेरा जो सेंस था वो यही था कि ये लोग इस तरीके की न्यूज जब छाप रहे हैं तो मैंने बोला कि ये समर्थन कर रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, बाकी इसमें कोई भी झूठी न्यूज नहीं थी दोस्तों, मैंने हर चीज का रेफरेंस दे के आपको बोला था। सो ये है, और आगे भी देखेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना यार, एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा कल एडवाइजरी जारी की गई थी, आप देख पाओगे, इन द वीव ऑफ ग्रेविंग एंटी इंडिया एक्टिविटीज एंड पॉलिटिकली कंडोन्ड हेट क्राइम्स एंड क्रिमिनल वायलेंस इन कनाडा। तो कनाडा के अंदर आप देख पाओगे एंटी इंडियन एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और ये सब चीजें हो रहा है, इसके लिए जो हमारे नेशनल्स हैं एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में रह रहे हैं उनको एटमोस्ट कॉशन बरतने की जरूरत है और अपना ध्यान रखे। एंड रिसेंटली थ्रेट्स हैव पर्टिकुलरली टारगेटेड इंडियन डिप्लोमेट एंड सेक्शन ऑफ द इंडियन कम्युनिटी हु अपोजिस द एंटी इंडिया एजेंडा। सो इस तरीके से हमने बोला है, हमारे हाई कमिश्नर की तरफ से भी ये चीजें गई हैं। एंड आपको मैं बता दूं, कनाडा की तरफ से इंडिया में आने वाले जो भी टूरिस्ट लगा लीजिए या दूसरे लोग हैं, उनको जो वीजा है उसके ऊपर अभी के लिए बैन भी लगा दिया गया है। ठीक है, सो ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू था, इन्होंने, मैंने बताया आपको, इन्होंने चेतावनी दी भारतीयों को कि लीव कनाडा एंड गो टू इंडिया, भारत चले जाइए। गुरपतवंत सिंह पन्नू द लीडर ऑफ द बैंड खालिस्तानी आउटपुट सिख फॉर जस्टिस, सिख फॉर जस्टिस का ये नेता है, ही हैज थ्रेटन इंडियन कैनेडियन हिंदूज एंड आस्क देम टू लीव कैनेडा, सेइंग दे आर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। इंडो कैनेडियन हिंदूज यू हैव रिपीटेड द एलिजेंसेस टू कैनेडा एंड द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने जो कनाडा के संविधान की निष्ठा है उसको नहीं माना है, उसको आपने तोड़ दिया है, और जो आपकी डेस्टिनेशन है इंडिया, आप वहां पे चले जाइए और कनाडा को छोड़ दीजिए। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इनके द्वारा किया गया है, और अगेन इनके लिए पहले खबर भी आई थी कि मारा गया है इसके, तो मैं आपको बता दूं आने वाले कुछ समय में आप अवश्य ही न्यूज देखोगे कि पन्नू भी शहीद हो गया है, जिस तरीके से ये लोग कहते हैं कि हमारे शहीद हुए निज्जर वगैरह, और इनके लिए हम लोग जस्टिस मांगते हैं, तो आने वाले समय में देखना इसका भी काम तमाम होने वाला है। और 29 अक्टूबर को, आने वाले 29 अक्टूबर को सैरी एंड वैंकूवर के अंदर ये लोग एक रेफरेंडम भी करवाने वाले हैं, आप देख पाओगे इन्होंने कई सारे इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट कनाडा की दीवारों पे लगा के रखे हैं शहरों में, कि ये जो इंडियन हाई कमिश्नर है वर्मा करके, इन्होंने हमारे जो निज्जर हैं इनकी असैसिनेशन करवाया है और हम लोग खालिस्तान चाहते हैं, ये इस तरीके के रेफरेंडम करवाते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके कैनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होती है। हम लोग बार बार इनको कहते रहते हैं कि जो एंटी इंडियन एक्टिविटीज हैं आप इनको रोकिए, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये सब चल रहा है वहां पे। और दूसरा, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स या फिर इंडियन लोग लीगली रूप से कनाडा में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, ये फिर गैंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप देख पाओगे सम स्टूडेंट्स हु इंटर्ड कनाडा ऑन फ्रेडुलेंट डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन गैंग एक्टिविटीज, 2023 9 अगस्त का ये आर्टिकल। और ये लोग सब, ये किसका हिस्सा है, ये सब एक्टिविटीज एंटी इंडियन एक्टिविटीज खालिस्तान और ये सब, ये पार्ट है बिजनेस इमिग्रेशन का, या फिर मैं कहूँ इमिग्रेशन बिजनेस का, जो कि कनाडा के अंदर बहुत विशाल रूप से फैला हुआ है। हमारे बहुत सारे इंडियंस लोग फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वहां पे जाते हैं, इन लोगों को पैसा देते हैं, और उनकी मदद कौन करता है, ये खालिस्तानी लोग, गुरपंत सिंह पन्नू जैसे लोग, और ये इनके हाथ में पूरा का पूरा बिजनेस है। बेसिकली उन्होंने लॉ कर रखी है वहां पे, कहते तो ये हैं कि मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन ये बिजनेस केवल उन्हीं के हाथ में है। आप देख पाओगे एक अनदर न्यूज है 2022 की, इंडिया प्रोब्स इलीगल इमिग्रेशन आफ्टर ट्रेजेडी नियर द कनाडा बॉर्डर, एक फैमिली थी जो कि गाड़ी के अंदर
यहाँ पे फ्रीज हुई मिली, और इनके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी प्रकार का नहीं था, वीजा वगैरह। ये इलीगल रूप से यूएसए से कहाँ पे जा रहे थे, कनाडा के अंदर जा रहे थे। तो उस टाइम पे इंडिया ने जांच इस चीज की करवाई, यूएसए ने भी इस चीज की जांच करवाई, और कनाडा ने तो ये तक बोल दिया था कि जितने भी इलीगल इमिग्रेशन होता है वो यूएसए की तरफ से हमारे यहाँ होता है। स्टूडेंट्स जो कि फेक कॉलेजेस में पढ़ते हैं एंड इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो एक आंकड़ा ये आया था कि 1.49 लाख इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स डिटेन्ड सिंस 2019, 2019 से 1.49 लाख इंडियन जो लोग हैं इलीगल इमिग्रेशन करते हुए पकड़े गए यूएस एंड कनाडा बॉर्डर के ऊपर, केवल और केवल यहां से वहां, वहां से यहां। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा इमिग्रेशन बिजनेस चल रहा है कनाडा के अंदर एंड यूएसए के अंदर, और इसके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है ये वाला व्यक्ति, पन्नू करके है, ठीक है। ये 1 जुलाई 2020 से केंद्र ने इसको आतंकवादी घोषित करके रखा, पैसों का लालच देके युवाओं को अपने साथ जोड़ता है, एंड जो हमारे पंजाब के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनको ये इन्फ्लुएंस करता है कि आप आइए कनाडा में, इतना पैसा है, ये है वो है, एंड खालिस्तान को आप सपोर्ट कीजिए। एंड जो पाकिस्तानी एजेंसी है ISI, उसकी भी मदद ये लेता है, कहीं ना कहीं उससे भी इसके संबंध बताए जा रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस एक संगठन है, आतंकवादी संगठन है, ये इंडिया के अंदर पैन है, इसका ये लीडर है, राइट। सो अभी देखिए ये News 18 का आर्टिकल आप देख पाओगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कनाडा किलिंग्स ड्यू टू इंटर गैंग राइवलरी बिटवीन द ग्रुप्स। सो मामला यही है, जो इंटर गैंग राइवलरी है गैंग्स के बीच में, और ये गैंग कहाँ पे बेस्ड है, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, मोस्टली कनाडा के अंदर, हालांकि पंजाब के अंदर भी हैं, तो यहीं से उनके जो ये दाता लोग हैं, आश्रय दाता लोग वहां पे जाके बैठ चुके हैं और वहीं से इन गैंग्स को चला रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज सेड दीज किलिंग्स आर ड्यू टू इंटर गैंग राइवलरी बिटवीन दीज ग्रुप्स। These groups wants to own the खालिस्तानी मूवमेंट फॉर द सेक ऑफ मनी। अरे पैसे के लिए ही केवल और केवल इस खालिस्तानी मूवमेंट को अपने हिस्से में करना चाहते हैं, इसके ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द इमिग्रेशन बिजनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाई पन्नू एंड अदर्स सोर्सेज सेड, ठीक है, News 18 का ये आर्टिकल है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा धंधा चल रहा है, एंड कनाडा के जो जर्नलिस्ट हैं, जो टॉप माने जाने जाने वाले जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सवाल करने स्टार्ट कर दिया जस्टिन ट्रूडो से कि आपके पास क्या एविडेंस है। ये हिंदुस्तान टाइम्स में उसकी जो इंटरव्यू है आप देख लेना, वहां पे वीडियो भी मिल जाएगी आपको, आर्टिकल भी है, कि आपके पास क्या एविडेंस है कि इंडिया ने ही मरवाया है इन लोगों को, ठीक है, तो इंडियन एजेंसीज ने मरवाया है, ये चीज है, ये न्यूज चल रही थी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड दोस्तों कोई भी झूठी खबर मैं नहीं फैलाता हूँ, पूरा जो कि न्यूट्रल तरीके से मैं आपको न्यूज बताने की कोशिश करता हूँ, और अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक करना, और अगर आपका कोई ओपिनियन है तो एक सभ्य तरीके से छोटे और बड़े भाई के नाते से आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे उस चीज को। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस।